हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम बना रहे हैं डिलीशियस हेल्दी एंड टेस्टी कस्टर्ड एप्पल मिल्क शेक, जिसे हम शरीफा और सीताफल भी कहते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। अब हम इसके गुद्दे निकाल लेंगे। मैंने यहाँ पे कटोरी रखी है और उसके ऊपर छन्नी रख दिए हैं और इस छन्नी पे हम सारे गुद्दे निकाल करके जमा करेंगे। शरीफा विटामिन सी का बहुत ही अच्छा सोर्स है। इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं और इसमें विटामिन्स B2, B3, B5, B6, B9, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस और पोटेशियम भी पाए जाते हैं, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। फ्रेंड्स, सारे गुद्दे निकल गए हैं, अब हम इसे मैश करेंगे। हमें ज़ोर से दबा दबा के इसे मैश करना है। देखिए, बिल्कुल इस तरीके से मैश करने से क्या होगा फ्रेंड्स, सारे गुद्दे जो है ना इसके बहुत सॉफ्ट होते हैं, वो आसानी से पूरा मैश होकर के निकल जाएंगे और हमारे जो बीज हैं वो अलग हो जाएंगे और फिर हम इन बीज को साइड करके निकाल देंगे। क्या आपको पता है फ्रेंड्स, ये किन किन बीमारियों में फ़ायदेमंद है? अगर आपके खून गाढ़े हो गए हैं तो इसकी रोज़ाना इस्तेमाल से खून पतला हो सकता है। लिवर प्रॉब्लम के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये हाई ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही टेस्टी फ्रूट है। इसकी खुशबू तो बहुत ही मज़े की होती है। मैं इसकी खुशबू मतलब बहुत पसंद करती हूँ। लीजिए, मैश करते करते बीज अब बाहर निकल आए हैं। अब हम बीज को निकाल करके एक कटोरे में जमा कर लेते हैं। देखिए, बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं, मतलब कोई परेशानी नहीं है। और सारे बीज मैंने अलग कर दिए और गुद्दे अलग हो गए हैं। अब इन गुद्दों को मैं कटोरे में निकाल लूँगी, क्योंकि इसमें ज़रा भी बीज नहीं है और ये बिल्कुल अच्छे तरीके से मैश हो चुके हैं। और मैश करने से देखिए, कटोरे में भी काफ़ी गुद्दे जमा हो चुके हैं और बहुत ही क्रीमी हो गया ये। बिल्कुल अच्छे से जो पके हुए शरीफे होते हैं ना, उसका इस्तेमाल करें फ्रेंड्स मिल्क शेक बनाने में। गुद्दे निकालने में भी बहुत आसानी होती है। गुद्दे हमने निकाल लिए हैं। अब हम एक मिक्सिंग बाउल में ये सारे गुद्दों को रखेंगे। ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से। और हाफ कप मिल्क लेंगे और इसमें मिल्क डालेंगे। ये मिल्क शेक बहुत हेल्दी है फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी भी है, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। आप एक बार ट्राई ज़रूर करें। अब मैं इसमें शुगर मिलाऊंगी। शुगर मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून ही यूज़ किया है। मैं ज़्यादा इसमें शुगर ऐड नहीं करूँगी। आपको जितना मीठा पसंद है आप उतना इसमें मिला लें। इसके बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे। ये देखिए, हमने ग्राइंड कर लिया है और इसका एकदम स्मूथ क्रीमी टेक्सचर हो गया है। अब इसमें हम और हाफ कप मिल्क ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। वाओ, डिलीशियस। चलिए इसे सर्व करते हैं। देख रहे हैं फ्रेंड्स, कितना स्मूथ है, कितना डिलीशियस लग रहा है और बहुत ही टेस्टी भी है, बहुत हेल्दी भी है। आप इसे प्लीज़ ट्राई करें, अपने बच्चों को दें, आप पिए। मज़ेदार, शानदार, डिलीशियस कस्टर्ड एप्पल मिल्क शेक। अब हम थोड़ा इस पर ड्राई फ्रूट्स मैंने रखा है वो ऐड करेंगे। मैं इसमें डाल रही हूँ चॉप काजू और पिस्ता। आपको जो ड्राई फ्रूट्स पसंद है आप इसमें मिला दें। ये देखिए, कितना बेहतरीन, कितना डिलीशियस लग रहा है फ्रेंड्स। प्लीज़ इसे ट्राई करें, बहुत ही डिलीशियस है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।